देव नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं किस तरह से ये जो है अभी नेक्स्ट अपडेट मैं दे रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं ना 30x40 क्लाइंट का घर, और इसके अंदर देखिएगा हॉल बेडरूम किचन इस तरह से आ रहा है 1 BHK पोर्शन। ये जो देख रहे हैं ना सेप्टिक टैंक का है, कंबाइंड फुटिंग आ रहा है इसके लिए। और ये टोटल नंबर ऑफ़ पिट्स जो है ना, टोटल 12 नंबर ऑफ़ पिट्स है इसके अंदर, मतलब गड्ढा बोल सकते हैं। या इधर कोने में ये पूरा फुल व्यू है, इस तरह से दिखाई देगा आपको। सो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहता है, देखो कॉलम का फेस ओरिएंटेशन इम्पोर्टेंट है। ओके, कॉलम को एग्जैक्ट आप वर्टिकल लेना वो ज़रूरी है जब भी आप कॉलम डालते देखो उस वक्त। क्यों बोले तो अगर कॉलम झुक गया तो वो फिर मुश्किल है उसको कैंची वो सब कर लेना। तो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। अगर सपोज़ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ बोले तो प्लिंथ बीम में जो है थोड़ा बहुत कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं प्लिंथ बीम लेवल पर। ओके, ऐसा आ रहा है ये वाला। तो साथियों ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला नक्शा है। सो इस नक्शे के अंदर देखिएगा फर्स्ट आ जाता है आपका हॉल, उसके बाद आता है बेडरूम नंबर 1, अटैच बेडरूम, कॉमन टॉयलेट, बाद ये आपका स्टेयरकेस सारा। चलिए मैं आपको साइड पर ही पहला कॉलम स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर आ रहा है इस तरह से, इसका जो है ना ये सेंटर लाइन प्लान है। फिर उसके बाद आता ये फुटिंग का प्लान। फुटिंग रेड कलर का जो देख रहे हैं देखो वो सेपरेट टैंक है, ये फुटिंग इस तरह से आ रहा है। लेट्स चेक। फिलहाल ये जो कॉर्नर में कॉलम देख रहे हैं ना, ये एक कॉलम, ये दूसरा वाला सेपरेट टैंक है, मैं अंदर एक कॉलम देख रहे हैं और कोने में एक कॉलम है उधर एंड यहाँ पर। तो फिलहाल आप देख रहे हैं ना ये पार्किंग में इस तरह से आ रहा पार्किंग में। इसके बाद हम चलते हैं हॉल के अंदर। हॉल के अंदर जाने से पहले मैं आपको किचन दिखाता हूँ, किचन का देख लीजिएगा सेपरेट टैंक कैसे लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये सेपरेट टैंक आ रहा, मैं प्लान दिखाता हूँ। इधर देखो किचन आ रहा है, इसकी इधर इसके बाजू में सेपरेट टैंक आ रहा, छोटा आ जाता ज़्यादा बड़ा भी नहीं। ये दो कॉलम्स यहाँ पर, चार कॉलम का देखो ये सेपरेट टैंक, इस यहाँ से लेके ये कॉलम तक सेपरेट टैंक आ रहा। बीम भी इसके अंदर ही इनबिल्ट रहेगा। अब आप सोचते हो उसको बीम चाहिए नहीं, वो अंडरग्राउंड बीम है, उसको अंदर ही छुपाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो चार कॉलम के अंदर देख रहे हैं ना, इसके अंदर जो है ना पूजा रूम और किचन दोनों आ रहा। फिर उसके बाद वो दो कॉलम है देखो 1, 2, 3, 4, उसके अंदर जो है ना स्टेयरकेस आ रहा। ये वाला जो चार कॉलम देख रहे हैं ना, इसके अंदर स्टेयरकेस आ रहा है। इसमें थोड़ा सा चेंज किया, वो चेंज बढ़ाया गया। और उस पीछे 1, 2, 3, 4 वो है देखो, वहाँ पर जो है ना आपका बेडरूम आ रहा विथ अटैच टॉयलेट बाथ उस एंड की तरफ। चलते हैं अंदर। मेन डोर कहाँ से आ रहा बोलो, ये कॉलम से लेके इन दो कॉलम का बीम को टच होता ये कोना बन जाता है। इधर जो है आपका मेन डोर आ रहा, यहाँ पर देखो ये मेन डोर आया। हम चलते हॉल के अंदर। हॉल के अंदर जाने के बाद ये जो दो कॉलम बीच में है देखो, यहाँ पर हिडन बीम लेके आगे बीम बढ़ाया जाएगा इधर से लेके ना ऐसा यहाँ तक जो है ये आता हॉल आ जाता इतना लेवल तक। ये देखो अब नेक्स्ट आता अटैच टॉयलेट में कॉमन टॉयलेट पर, वो जो दो कॉलम देख रहे थे कोने की तरफ, वो ये वाला एक कॉलम, ये वाला एक कॉलम, वो कॉलम से थोड़ा 5 फीट मतलब 6 फीट लिया गया ऐसा, उधर से 6 फीट, उधर से 6 फीट, इसको करके इधर से कॉमन टॉयलेट बांध देते हैं हॉल से। बट ऐसा लगना कि वो डोर नहीं है बोल के छोटा लिया जा रहा है, मेन जो बाहर की तरफ से अब जाना टॉयलेट रूम को जाना है तो भी। फिर उसके बाद आता अटैच टॉयलेट बांध, इसको पार्टीशन करके अटैच टॉयलेट बांध इस वाले बेडरूम को। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पर सब काम चल रहा है। उम्मीद है आपको मैं प्लान के साथ दिखाया हूँ, कैसा लगा यार ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप वीडियोस हमको ज़रूर मिले आपको मिलेगा हमारा इस चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल पर। और स्पीड बिल्टअप वीडियोस चाहिए तो इस क्लाइंट का घर का जो है ऑसम हाउस कंस्ट्रक्शन पर आपको हर एक वीडियोज़ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।